देश में कोरोना वैक्सीनेशन की 16 जनवरी से शुरुआत होने जा रही है। कोरोना वैक्सीन लैब में तैयार होकर वैक्सीनेशन के लिए विभिन्न राज्यों के अलग अलग सेंटर्स पर पहुंच चुकी है। इन सब के बीच कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। TOI ने पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट और इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर बातचीत की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए ज्यादा कीमत चुका रही है। खुले बाजार में कोरोना वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से मैन्युफैक्चर्ड कोविशील्ड वैक्सीन के लिए प्रति डोज 200 रुपए दे रही है, जबकि यूरोपीय यूनियन ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन के लिए करीब 169 रुपए चुका रहा है। यह जानकारी बेल्जियम के बजट स्टेट सेक्रेटरी के ट्विटर पर पोस्ट किए गए लीक हुए डॉक्यूमेंट में सामने आई। भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार 295 रुपए प्रति डोज की कीमत दे रही है। वही वैक्सीन अभी भी क्लिनिकल ट्रायल मोड में है। ऐसे में अति महत्वपूर्ण फेज 3 का डेटा अभी सामने आना बाकी है। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क NGO से जुड़े S. श्रीनिवासन का कहना है कि सरकार वैक्सीन की कीमतों को लेकर और मोल भाव कर सकती थी, साथ ही सरकार को सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन दी जानी चाहिए। श्रीनिवासन का कहना है कि इस वैक्सीन की कीमत 100 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी ग्रुप को छोड़कर अन्य को वैक्सीन लगाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।